नमस्कार, जय हिंद। हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने MiG-21 फिर दोबारा उड़ान भरी है और विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की कॉकपिट में वापसी हो गई है। एयर चीफ के साथ उन्होंने आज MiG-21 उड़ाया और विंग कमांडर अभिनंदन के साथ विमान उड़ाना गर्व की बात है, ये कहा है वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने। आप समझ सकते हैं कि BS धनोआ कितने खुशी से आज नए लुक में दिखे। पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे, पाकिस्तान के F-16 को उड़ा दिया था, उनके इधर ही जाकर उनके घर में घुसकर किस तरीके से आपने देखा कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए थे। अभिनंदन वर्तमान पूरी मेडिकल फिटनेस के बाद फिर से इन्होंने MiG-21 की उड़ान BS धनोआ जी के साथ उड़ाई और वहीं पाकिस्तान इसको देखकर पूरा डर गया है, सहम उठा है। इमरान खान की नींद उड़ गई है। इमरान खान फिर यही कह रहे होंगे कि वो POK पर हमला करने वाले हैं। BS धनोआ जी के साथ उन्होंने इस तरीके से उड़ान भरी तो एयरफोर्स चीफ BS धनोआ और विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने आज पठानकोट के एयरबेस से MiG-21 लड़ाकू विमान उड़ाया। इस दौरान अभिनंदन नए लुक और नए जोश में दिखे और ये देखकर आपको गौरवान्वित फील होगा कि एक बार किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया था जब F-16 उड़ा दिया था, वो भी MiG-21 से। और पाकिस्तान इसको देखकर सहम जाएगा क्योंकि पाकिस्तान को लग रहे हैं एक के बाद एक झटके। और BS धनोआ ने कहा था कि इन्होंने भी बालाकोट के बाद पाकिस्तान के खिलाफ लड़े और मैं भी कारगिल की लड़ाई पाकिस्तान के साथ लड़ा। और पाकिस्तान जो जिस तरीके से आप देखते हैं कि वहाँ के रेलवे मिनिस्टर हो या छोटा मोटा कोई भी नेता हो या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, पूरा पाकिस्तान परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। वहीं अब अभिनंदन वर्तमान को देखकर उनकी पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएंगी और सहम जाएंगे पूरा पाकिस्तान, क्योंकि अभिनंदन वर्तमान को देखकर पूरे पाकिस्तानी डर जाते हैं, वो अपने बिल में घुस जाते हैं क्योंकि उन्होंने घर में घुसकर पाकिस्तान के जो F-16 है उसको उड़ाया था, जबकि पाकिस्तान ने बताया था कि उसके पास दो पायलट हैं। अपने ही पायलट को उन्होंने मार दिया था उनके गांव वालों ने। जब आपने देखा वो वीडियो आया था उसमें दो फाइटर जेट नीचे गिरते हैं, लेकिन जब मेजर गफ्फू प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि इसमें हमने दो पायलट को पकड़ा है, लेकिन बाद में जब बात सामने आती है एक पायलट तो उनका ही था जो उनके गांव वालों ने मार दिया था। तो पाकिस्तान इसको देखकर बौखला जाएगा, पाकिस्तान को ये लगेगा कि फिर भारत उनके खिलाफ एक्शन कर सकता है, क्योंकि यहाँ के रक्षा मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या हर कोई, यहाँ का सरकार का स्टैंड है पाकिस्तान से अब बातचीत नहीं करनी है, पाकिस्तान से बिल्कुल कोई समझौता नहीं करना है। पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे में जो POK है उसको लेकर बातचीत होगी, बातचीत होगी आतंकवाद के खात्मे के बाद ही होगी और पाकिस्तान से किसी तरीके से कोई बात नहीं होगी। क्योंकि आपने देखा कुलभूषण जाधव के मामले में भी वो पूरी तरह से दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उनको करारा झटका लगा, उसके बाद आज उन्होंने भारत सरकार के आगे झुक गए और उन्होंने काउंसलर एक्सेस दिया और 2 घंटे तक उनसे मुलाकात की। पाक में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलूवालिया ने उनसे मुलाकात की, पाकिस्तान एक अज्ञात जगह पे ले गए, लेकिन पाकिस्तान जो बोल रहा था कि हमारे अधिकारी भी मुलाकात के वक्त मौजूद रहेंगे, पाकिस्तान ने ये बात रखी थी ये, लेकिन भारत ने उसको ठुकरा दिया था, कहा था कि ये कोई तरीका नहीं है, नहीं ये वियना संधि के अकॉर्डिंग इस पर ऐसे कोई बातचीत होती है, और तब काउंसलर एक्सेस दिया गया। हालांकि अज्ञात जगहों पे ले जाया गया, क्या उनकी हेल्थ है, क्या कैसे उनको टॉर्चर किया गया ये तो बात अभी सामने नहीं आएगी। वो डिप्टी हाई कमिश्नर ही जानते होंगे कि वो क्या स्थिति में क्या कैसी परिस्थितियों से वो गुजर रहे होंगे, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान को झुकना पड़ा। अब देखते हैं आगे इस मामले को लेकर भारत सरकार आगे कहां तक जाती है, जब तक कुलभूषण जाधव सकुशल भारत न लौट आए।
और इसको देखते हुए वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान किस तरीके से बौखलाया, कल आपने देखा होगा मालदीव के संसद में देखा आपने कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो सीनेटर हैं उन्होंने ये मामला उठाया, कश्मीर का मुद्दा उठाया, लेकिन भारत के राज्यसभा के उपसभापति ने उनको लताड़ लगाई और करारा जवाब दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद का संरक्षण है, पाकिस्तान आतंकवाद को भेजता है, पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है। तो इस बात के लिए पाकिस्तान पूरी दुनिया में बौखला चुका है, वो समझ नहीं पा रहा है कि वो कश्मीर के मुद्दे पर क्या करें, क्योंकि पूरी दुनिया ने उनको नकार दिया है, उनका स्टैंड को नकार दिया है। पाकिस्तान का जो ये मसला था, वहीं यूरोपियन यूनियन ने भी कहा ये पाकिस्तान और भारत आपसी बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाएं, हम इसमें कोई दखल नहीं दे सकते हैं। तो पाकिस्तान पूरी दुनिया से मार खाने के बाद बौखलाया हुआ है। वहीं आज विंग कमांडर की ये MiG-21 की उड़ान और BS धनोआ का जो वक्तव्य है वो पाकिस्तान में फिर खलबली मचा देगा, पाकिस्तान की आर्मी के नींद उड़ा देगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी भारत से लड़ने के लिए आपने देखा होगा जो कश्मीर आवर का नाम से पाकिस्तान में ड्रामा किया गया था पाकिस्तान की आर्मी द्वारा, भारत की आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान की आर्मी आंदोलन कर रही थी, सड़कों पे उतर रही थी। तो समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी में खुद लड़ने की हिम्मत नहीं है, वो जानते हैं कि कैसे बांग्लादेश बनने के वक्त भारत की सेना के सामने पाकिस्तान के लाखों समझो सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, घुटने टेक दिए थे। अब वो पाकिस्तान नहीं चाहता कि इतनी लड़ाइयों के बाद वो फिर घुटने टेके, उसको पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत होना पड़े। अभिनंदन वर्तमान की ये उड़ान पाकिस्तानियों को अब सोने नहीं देगी, पाकिस्तान को ये विजुअल हमेशा आप परेशान करेंगे कि कैसे जब पाकिस्तान उनको पकड़ा हुआ था किस तरीके से वहाँ के गांव वाले या वहाँ के जो सुरक्षा व्यवस्था वाले वो उन पे अटैक कर रहे थे, लेकिन आखिरकार उनको करारा झटका लगा। और तो पठानकोट एयरबेस से विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने MiG-21 के ट्रेनर वर्जन के जरिए आसमान में वापसी की। और बड़ी बात यह है कि अहम मौके पर उत्साह बढ़ाने के लिए वायुसेना प्रमुख धनोआ भी मौजूद थे, और धनोआ भी MiG-21 के पायलट रह चुके हैं। उन्होंने कारगिल युद्ध के समय 17 स्क्वाड्रन की कमान संभालते हुए यह विमान उड़ाया था। तो विंग कमांडर अभिनंदन आज वापसी आ गए हैं, उनका पूरे भारत में हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया और काफ़ी लोग जोश में आ गए हैं उनकी ये तस्वीर देखकर कि कैसे अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान में जाकर फिर वापसी आए और फिर दहाड़ने लगे, और पाकिस्तान इसको देखकर हिल जाएगा और पाकिस्तान की जो सेना है कायर सेना है वो अब मुकाबला नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभिनंदन वर्तमान फिर मैदान में आ चुके हैं और वो पाकिस्तान को फिर मजा चखाने के लिए तैयार हैं। विंग कमांडर अभिनंदन के साथ उड़ान भरने के साथ BS धनोआ ने आपस में 3 समानता बताते हुए कहा, पहला हम दोनों ने इजेक्ट किया और फिर वापसी की, मैंने 1988 में और अभिनंदन ने 2019 में इजेक्ट किया। दूसरी, हम दोनों ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा, मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ी और अभिनंदन ने बालाकोट। तीसरा और सबसे अहम समानता है कि मैंने अभिनंदन के पिता के साथ MiG-21 उड़ाया था और आज अभिनंदन के साथ लड़ाकू विमान उड़ाया। अभिनंदन ने 27 फरवरी को MiG-21 से उड़ान भरते हुए नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। हालांकि इस दौरान उनका विमान भी दुर्घटना का शिकार हो गया था, वह इजेक्ट करने के साथ POK में लैंड हुए थे। पाकिस्तानी सेना ने अभिनंदन को हिरासत में ले लिया था। बाद में पाकिस्तान को भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बड़े दबाव के बाद अभिनंदन को सकुशल छोड़ना पड़ा। आज उन्होंने एयर चीफ मार्शल BS धनोआ के साथ MiG-21 उड़ाया।